स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 3.4 करेंगे आज। इससे पहले के एक्सरसाइज के वीडियो में बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन में करना क्या है वो देखो, गिवन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो कुछ इक्वेशंस गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, और उनका प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। इक्वेशन है 10x इक्वल्स टू रूट 3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो 0 टू 2 पाई के बीच की जो वैल्यूज मिलेंगी हमें x की, उनके लिए कहा जाता है। और जनरल n से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब n उसमें होगा जो कि एक इंटीजर होगा। तो पहले प्रिंसिपल देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। 10x की वैल्यू है रूट 3। अब रूट 3 पॉजिटिव वैल्यू है, 10 पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज ले लेते हैं हम पहले। 10x इक्वल टू रूट 3, इसका मतलब टेन पाई बाय 3 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3 अपॉन कोस पाई बाय 3 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3 60 डिग्री यानी कि रूट 3 बाय 2, कोस पाई बाय 3 यानी 1 बाय 2। तो ये कैंसिल आउट, आपके पास आता है रूट 3। यानी x की वैल्यू यहां से हो गई आपके पास एक तो पाई बाय 3। एक से ज्यादा वैल्यूज भी आपके पास हो सकती हैं, और जैसा कि हम इसमें फाइंड आउट करेंगे और हमें मिलेंगे। देखिए दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएं तो पाई प्लस पाई बाय 3 अगर मैं करूं तो देखिए क्या आंसर आता है मेरे पास। 10 थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा वो पाई प्लस की फॉर्म में आपको मिलेगा। सो पाई प्लस पाई बाय 3 लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि साइन पाई प्लस पाई बाय 3 वापस से मुझे पाई बाय 3 मिल जाएगा, मतलब साइन पाई बाय 3, और कोस भी ऐसा ही शो करेगा। तो कोस पाई प्लस पाई बाय 3, तो 10 पाई प्लस पाई बाय 3 को मैंने साइन और कोस की फॉर्म में लिख लिया। तो साइन ए प्लस बी आ गया, ये साइन ए, कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सो साइन पाई कोस पाई बाय 3 प्लस कोस पाई साइन पाई बाय 3, ठीक है जी। कोस पाई प्लस पाई बाय 3 कोस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई साइन पाई बाय 3। तो सबसे पहले कोस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3। ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसमें स्टेप्स जो हैं वो छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन पाई जीरो होगा, सो ये जीरो यानी ये पूरी टर्म जीरो चली गई। कोस पाई माइनस वन होता है तो ऊपर आ गया आपके पास माइनस साइन पाई बाय 3। डिनोमिनेटर में देखिए साइन पाई जीरो होता है तो ये सारी टर्म जीरो में चली गई। कोस पाई माइनस वन होता है तो माइनस कोस पाई बाय 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आपके पास वापस से क्या आ जाएगा 10 पाई बाय 3। यानी कि 10 पाई प्लस पाई बाय 3 भी मेरे पास 10 पाई बाय 3 आएगा जो कि होगा रूट 3। सो x की वैल्यू यहां एक और हो सकती है, कौन सी, पाई प्लस पाई बाय 3, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई बाय 3। और ये 4 पाई बाय 3 आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, यानी ये एंगल भी 0 टू 2 पाई के बीच है, ठीक है। सो दो प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई आपके पास, एक तो पाई बाय 3 और एक 4 पाई बाय 3। तो ये ऐसे कैलकुलेट करनी है आपको। ये तो हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसमें आपको x जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, सिर्फ लेस देन 2 पाई, तो मतलब 0 से 2 पाई की वैल्यूज आपको रखनी है इसमें, और पर्टिकुलर वैल्यूज आपको शो करनी है। तो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको थ्योरम यूज करनी है।
जो थ्योरम है वो यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर जनरल सॉल्यूशन टेन एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री. अब आप कि जो थ्योरम है वो किस पे अप्लाई होती है, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई. अगर ऐसा है तो x की वैल्यू आपको मिलेगी n pi plus y, where n belongs to integers. यहाँ आंसर लिख सकते हैं. तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे. देखिए लेफ्ट हैंड साइड टेन एक्स है, रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट थ्री को मैं टेन पाई बाय थ्री लिख सकता हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आगे यही वाली फॉर्म 10x इक्वल्स टू 10y. तो यहां से x का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यूज हो जाएंगी जनरल वैल्यूज, वो क्या हो जाएंगी, n pi प्लस y, y की जगह क्या है pi बाय थ्री एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. सेकेंड क्वेश्चन है sec x इक्वल्स टू टू. सो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए sec of x इक्वल्स टू टू. तीन थ्योरम हम जानते हैं, कौन कौन सी, sin x इक्वल्स टू sin y, cos x इक्वल्स टू cos y एंड tan x इक्वल्स टू tan y. अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं. यहां पे आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन y, ये आंसर हो जाएगा. यहां पे आंसर हो जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस y, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका एन पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो ये तीन आंसर्स हैं हमारे पास. अब यहां जो क्वेश्चन गिवन है वो इनमें से कोई फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो sec x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं cos में इजीली, तो वही करेंगे हम. 1 अपॉन cos ऑफ x इक्वल्स टू टू एंड cos x इक्वल्स टू 1 बाय टू. रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल. ओके, कोस एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ, और क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होना ही होना है ये, और कोस फर्स्ट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है. तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे. ठीक है, क्वाड्रेंट्स में लिख देता हूं एक बार फिर से. तो ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव एंड कोस पॉजिटिव. ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, गॉट इट. अब इनके एंगल्स कैसे होते हैं, देखिए पाई बाय टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और टू पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. तो ये मेनली चार टाइप के ही एंगल्स हम डिस्कस करते हैं, पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा. टू पाई प्लस थीटा फिर से रिपीट होने लग जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. ठीक है, सो कोस एक्स की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहली बात तो ये पॉजिटिव है वैल्यू, या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और हमें दोनों ही आंसर लिखने हैं क्योंकि जीरो टू टू पाई लिख सकते हैं हम. सो कोस एक्स को मैं कन्वर्ट करूंगा पहले किसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अभी मुझे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो कोस एक्स इक्वल्स टू हाफ है, एक्स की क्या वैल्यूज हो सकती है, सो कोस पाई बाय थ्री. ठीक है, हो जाएगा ऐसा. तो x की एक वैल्यू तो आ गई पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री आ गई. दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू है वो आएगी मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग काम करने से. तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, टू पाई माइनस थीटा. तो अगर मैं कोस टू पाई माइनस पाई बाय थ्री करता हूं तो मेरे पास आंसर देखिए क्या आ जाएगा, कोस टू पाई कोस पाई बाय थ्री माइनस साइन टू पाई
साइन पाई बाई थ्री, ठीक है ओके। कोस टू पाई की वैल्यू होती है वन, सो ये तो वन हो गया, और कोस पाई बाई थ्री से मल्टीप्लाई तो कोस पाई बाई थ्री, माइनस साइन पाई तो साइन टू पाई जीरो, सो ये सारी टर्म हो गई जीरो, यानी कोस टू पाई माइनस पाई बाई थ्री कोस पाई बाई थ्री के इक्वल आंसर मुझे देगा, और वो आंसर अपना होगा वन बाई टू, यानी एक और वैल्यू हो जाएगी एक्स की, क्या टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, और ये आपको आंसर देगा सिक्स पाई माइनस पाई, एलसीएम ले लिया मैंने, सो फाइव पाई बाय थ्री। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी एक्स की वैल्यूज आपके पास एक तो पाई बाय थ्री हो गई और दूसरी हो गई फाइव पाई बाय थ्री, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम उन तीन थ्योरम में से एक का यूज करेंगे, और सबसे इजी पड़ेगा हमें ये cos x equals to cos pi by 3। औरों में क्यों जाएंगे जब हमारे पास ये सॉल्यूशन है, cos x equals to cos pi by 3 मैं लिख चुका हूं, सो फॉर जनरल सॉल्यूशन cos x equals to cos pi by 3 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x equals to 2n pi plus minus y, y की जगह क्या है अपना pi by 3, फिर n belongs to z। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा by using क्या यूज किया मैंने, cos x equals to cos y, ये थ्योरम है आपकी बुक में, cos x equals to cos y अगर है तो this implies that x equals to 2n pi plus minus y where n belongs to integers, ये आंसर होगा हमारा। तो इसको यूज करते हुए ही मैंने ये जनरल सॉल्यूशन लिखा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोटेक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री, कोटेक्स को लेके हमारे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो हम इसको पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे। प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, बट हमें जनरल भी फाइंड आउट करना है, सो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो टेकिंग रेसिप्रोकल, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं मैं, सो 10x हो जाएगा क्योंकि 1 upon cotex is 10x minus 1 by root 3, ये भी reciprocal हो जाएगा। और 10 negative देखिए कहां कहां होता है, 10 negative होता है second quadrant में और fourth quadrant में, क्योंकि second quadrant में sin positive होता है cos negative होता है, और fourth quadrant में sin negative होता है cos positive होता है, तो 10 दो ही quadrants में negative मिलेगा आपको। चारों क्वाड्रेंट हो गए, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड में और फोर्थ में आपको 10 नेगेटिव मिलेगा। सेकंड में एंगल आपके किस फॉर्म में होते हैं, पाई माइनस थीटा या फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में जो एंगल आएंगे वो यहां आएंगे, या फिर पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, तो इन्हीं दो फॉर्म्स का यूज करके पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा हम इसको सोल्व करेंगे। So, 10x equals to, पहले तो पाई माइनस थीटा वाली फॉर्म में ले लेते हैं हम, सो 10x equals to माइनस 10, 1 by root 3, 10 की वैल्यू कब आएगी, जब एंगल होगा पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, उससे साइन लिख देता हूं मैं साइड में, 10 पाई बाय 6 equals to साइन पाई बाय 6 डिवाइड बाय कोस पाई बाय 6, साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री 1 बाय 2, कोस पाई बाई 6 यानी कोस 60 डिग्री, सॉरी कोस 30 डिग्री दैट इज रूट 3 बाय 2, सो 2 से 2 कैंसिल 1 बाय रूट 3 मिल जाएगा आपको, सो माइनस 1 बाय रूट 3 की जगह लिख लिया मैंने माइनस 10 पाई बाई 6। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट कर लेता हूं मैं 10 पाई माइनस पाई बाय 6 इस फॉर्म में,
देखिए ये फॉर्म दोनों सेम है, मतलब इनकी वैल्यू सेम आएगी। कैसे देखिए, टेन पाई माइनस पाई बाय सिक्स करके दिखाता हूं मैं आपको। ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाय सिक्स डिवाइडेड बाय कोस पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है। ओके, साइन पाई माइनस पाई बाय सिक्स करूंगा तो साइन पाई कोस पाई बाय सिक्स माइनस कोस पाई साइन पाई बाय सिक्स होल डिवाइडेड बाय कोस पाई बाय सिक्स प्लस साइन पाई बाय सिक्स, ठीक है। ओके, फर्दर सोल्व कीजिए, इसको देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या साइन जीरो इज जीरो, सॉरी साइन पाई इज पाई, सो सॉरी साइन पाई इज जीरो, सो ये होल टर्म हो जाएगी जीरो। कोस पाई इज माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर आपको वैल्यू साइन पाई बाय सिक्स मिल जाएगी। नीचे देखिए कोस पाई इज माइनस वन, सो माइनस कोस पाई बाय सिक्स, साइन पाई जीरो होता है तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। आंसर में आपको वही मिल गया, माइनस टेन पाई बाय सिक्स। सो माइनस टेन पाई बाय सिक्स को मैं लिख सकता हूं टेन पाई माइनस पाई बाय सिक्स। यहां से एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लीजिए, सिक्स आ गया, सिक्स पाई माइनस पाई इक्वल्स टू फाइव पाई बाय सिक्स, तो टेन फाइव पाई बाय सिक्स, टेन लिखना भूल गया मैं, तो टेन फाइव पाई बाय सिक्स, ठीक है। तो टेन एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू टेन फाइव पाई बाय सिक्स के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो एक्स अपना क्या हो गया फाइव पाई बाय सिक्स, तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा टेन नेगेटिव कहां हो सकता है, दूसरा टेन नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एंगल कैसे लिखा जाएगा, टेन एक्स इक्वल्स टू रिलेशन हमारा ये है कि टेन पाई बाय सिक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में टेन टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। उसका आंसर भी देखिएगा सेम रहेगा, आप इस तरीके से इसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो टेन एक्स इक्वल्स टू टेन, इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे हम, सिक्स आएगा तो ट्वेल्व पाई माइनस पाई इक्वल्स टू टेन इलेवन पाई बाय सिक्स, यानी x की दूसरी वैल्यू हो गई 11 पाई बाय सिक्स। तो दो वैल्यूज हो गई x की आपके पास, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको दो मिलेंगे, कौन कौन से, x इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स एंड सॉरी 5 पाई बाय सिक्स एंड 11 पाई बाय सिक्स, दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। एक हमने यहां फाइंड आउट किया और एक हमने यहां फाइंड आउट कर दिया। फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना है। फॉर जनरल सॉल्यूशन टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट थ्री है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा माइनस टेन पाई बाय सिक्स, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टेन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, जो आपको मिलेगा टेन फाइव पाई बाय सिक्स, ठीक है। तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन फाइव पाई बाय सिक्स, वी नो दैट। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वो लिख लेते हैं, वी नो दैट, जो हम जानते हैं उसी का यूज करेंगे, ठीक है। क्या जानते हैं, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई अगर हमारे पास है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, x n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो इसको यूज करते हुए हम आंसर लिख सकते हैं यहां x इक्वल्स टू, देखिए ये तो x रहा और y की वैल्यू जो है वो अब हो गई 5 पाई बाय 6, तो x इक्वल्स टू एन पाई प्लस
5 pi by 6, where n belongs to integers. तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक चीज ध्यान कीजिएगा, कुछ बुक्स में क्या है कि n pi plus minus pi by 6 करके लिखा हुआ है ये आंसर, जबकि वो गलत है, क्योंकि 10x equals to 10y है, तो plus minus y नहीं आएगा, सिर्फ plus y आएगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा उसको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन फिर से ऐसी फॉर्म में है जो कि गिवन नहीं है हमें, हमने जो तीन थ्योरम्स पढ़ी हैं उन फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए कोसेक्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, टेकिंग रेसिप्रोकल, सो साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2। अब साइन एक्स नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो क्वाड्रेंट्स बनाते हैं हम। साइन एक्स नेगेटिव होता है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो लिखा जाता है पाई प्लस थीटा करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखेंगे हम 2 पाई माइनस थीटा करके। तो इन दो फॉर्म्स को यूज करके हम ये आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो साइन एक्स को लिख लेता हूं मैं, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन, हाफ कब आएगा, जब एंगल होगा पाई बाय 6, ठीक है, ओके। तो साइन एक्स इक्वल्स टू, अब ये माइनस भी कंपनसेट करना है मेरे को, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल किस फॉर्म में लिखूं मैं, फिर साइन पाई प्लस पाई बाय 6। देखिए ये और ये दोनों सेम है, मैं लिख के बताता हूं आपको। देखिए साइन पाई प्लस पाई बाय 6 करूंगा और इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, साइन पाई कोस पाई बाय 6 प्लस कोस पाई साइन पाई बाय 6। ओके, साइन पाई जीरो होता है, ठीक है, साइन पाई जीरो होता है, तो ये सारी टर्म जीरो हो गई। इक्वल्स टू में जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूं, कोस पाई माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू साइन पाई बाय 6, सो ये माइनस साइन पाई बाय 6। यही मैं कह रहा था आपको कि साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 6। ओके, सो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 7 पाई बाय 6, यानी कि x की एक वैल्यू आ गई आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू 7 पाई बाय 6। अब दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 6। सो दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और वो आ जाएगी आपके पास 11 पाई बाय 6। तो सेकंड आंसर हो गया इसका 11 पाई बाय 6। सो आई होप अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्योंकि मैं तीन चार जो फोर्थ क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन में पहले कर चुका हूं। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव किन किन क्वाड्रेंट्स में होता है, फिर उन क्वाड्रेंट्स में एंगल किस तरीके से लिखे जाते हैं वो सर्च करेंगे हम, और उन एंगल्स की फॉर्म में ही लिख के हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। जब मैं पढ़ता था मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई, मुझे पता भी नहीं था, और मैं बहुत परेशान रहा इस एक्सरसाइज में, बट ये बहुत ही इजी है और टू द पॉइंट है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दो तीन कॉन्सेप्ट्स कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, एंगल नहीं रेशियो, जो ये फंक्शन है अपना कोस और साइन, कौन सा पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में और कौन सा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर एंगल उस क्वाड्रेंट्स में कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे, और उस फॉर्म में फिर हम उसको लिख के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है वो ये है कि साइन एक्स, ये थ्योरम है अपनी, इक्वल्स टू साइन वाई, इससे आपको आंसर मिलेगा, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक
ठीक है, ओके, ये आंसर होगा अपना। तो इस फॉर्म में देखो पहले ही हम इसको लिख चुके हैं, यहां देखिए साइन एक्स इक्वल टू साइन सेवन पाई बाई सिक्स, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन सेवन पाई बाई सिक्स वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो बहुत ही इजी है।